हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां हर कोई जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। जो लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनकी सोच होती है कि उन्हें प्रॉफिट ही हो, लेकिन यहां सभी एक दूसरे की नकल ही करते हैं। अगर आप दूसरों से अलग नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिलने वाले रिजल्ट उनसे अच्छे और अलग होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेजेंडरी इन्वेस्टर और ऑथर हार्वर्ड मार्क्स की बुक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग से जानेंगे कि किस तरह से एक इन्वेस्टर मार्केट में बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इस बुक की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि ये बुक हमें स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को समझने में भी मदद करती है। बुक पर आगे बात करें, लेकिन उससे पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ हो जाए तो आप बहुत सारा पैसा बिना किसी काम के कमा सकते हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। आप जितने भी लोगों से मिले होंगे उनमें मोस्टली लोग बोलेंगे कि मार्केट सट्टा है, या फिर उन्हें मार्केट में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आप मार्केट को बेहतर तरह से जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, इसमें प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बुक हमें उन गलतियों के बारे में भी बताती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से मतलब है कि किसी कंपनी के शेयर में पैसा उस टाइम लगाए जब शेयर की प्राइस कम हो, और तब बेचे जब उसकी प्राइस बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि किसी स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो, साथ ही कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता बहुत कम है। पहले तो अच्छी कंपनियों के शेयर की प्राइस उनकी वैल्यू से कम मिलती नहीं, और अगर उनका प्राइस कुछ कम ज्यादा होता भी है तो उसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, और अगर उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है तो उससे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसे याहू के एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 जनवरी 2000 को याहू अपने ऑल टाइम हाई $475 तक पहुंच गया था, और याहू पूरी दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। लेकिन एक साल बाद यानी कि 26 सितंबर 2001 को याहू का स्टॉक अपने ऑल टाइम लो $8.11 पर बंद हुआ। इस तरह से अगर किसी शेयर की प्राइस को ज्यादा लगाया गया है तो आपको इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। गलत प्राइस लगने से फायदा और नुकसान दोनों ही होने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में आती रहती है, और आपको इन सिचुएशंस का फायदा लेकर प्रॉफिट कमाना है तो आपको भीड़ से अलग सोचना ही होगा। ऑथर भीड़ से अलग सोचने को सेकंड लेवल थिंकिंग कहते हैं, वहीं भीड़ की तरह सोचना फर्स्ट लेवल थिंकिंग कहलाती है। फर्स्ट लेवल थिंकिंग कहती है ये कंपनी अच्छी है, इसका स्टॉक बाय कर लेना चाहिए। वहीं सेकंड लेवल थिंकिंग कहती है ये अच्छी कंपनी तो है, लेकिन ऐसा हर कोई सोचता है और इसलिए हर कोई इसका स्टॉक खरीदना चाहेगा। इसका मतलब स्टॉक की कीमत ज्यादा हो गई है और मुझे इसे सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, सेकंड लेवल थिंकिंग में आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए सेकंड लेवल थिंकिंग के कामयाब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मार्केट का पहला नियम तो ये है, आपको स्टॉक को तब बाय करना है जब उसकी प्राइस कम हो जाए, और तब सेल करना है जब उसकी प्राइस ज्यादा हो। लेकिन इस कॉमन रूल को जानते तो सब हैं, पर इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि कीमत कम हुई है या ज्यादा। इसके लिए आपको ये पता लगाना होगा कि शेयर की ट्रू वैल्यू क्या है, और जब प्राइस इस कीमत से कम हो जाए तब आपको स्टॉक्स खरीदने हैं। स्टॉक्स की असल कीमत को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। किसी कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस से ही
आप कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, एक्सेट्रा। जब आप इस तरह से कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू जान सकते हैं, और अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक्स को तभी खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। लेकिन मोस्टली लोग इसे अनदेखा करते हैं और इग्नोर करते हैं। मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा देखी में करते हैं। अगर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा है तो वो भी उसी में पैसा लगा देते हैं। कुछ लोग फीलिंग्स के हिसाब से शेयर खरीदते हैं। मेरा एक दोस्त SBI के शेयर इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके फादर SBI में काम करते हैं। इस तरह की सोच तो और भी खतरनाक है। दोस्तों, किसी कंपनी के शेयर और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत डीप कनेक्शन होता है, इसे कभी भी इग्नोर ना करें। ऑथर हार्वर्ड मार्क्स किसी स्टॉक के टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों पर फोकस करने की एडवाइस देते हैं। टेक्निकल का शेयर की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। जब मार्केट में बुरी खबर आती है और मार्केट क्रैश होने लगता है तो मोस्टली लोग बिना सोचे समझे नुकसान कम करने के लिए अपने सारे शेयर बेचने लगते हैं। वहीं इंसान की साइकोलॉजी भी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। फियर और एरोगेंस दो बड़े कारण हैं जिससे लोग मार्केट में बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। जब मार्केट में फियर यानी कि डर आता है तो हर कोई अपना स्टॉक बेच देता है जिससे कीमत कम हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में दुनिया भर के शेयर मार्केट बुरी तरह गिर गए थे। इसी तरह लोगों में अच्छे दिनों में एरोगेंस आ जाता है और हर कोई शेयर खरीदता है तो कीमत बढ़ जाती है। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर आपको शेयर को तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत कम हो। बुक के ऑथर के अनुसार एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क को हैंडल करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपको जापान में एक घर लेना है, लेकिन आप इस बात से डर रहे हैं कि वहाँ पर अक्सर आने वाले भूकंप में अगर आपका घर गिर गया तो क्या होगा। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि एक भूकंप में उस घर के गिर जाने का रिस्क है या नहीं? एक ही रास्ता है, भूकंप आने का इंतजार कीजिए। अगर घर गिर जाता है तो उसे खरीदने में रिस्क था, और अगर नहीं गिरता तो उसे खरीदने में रिस्क नहीं है। इस बात को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये कि रिस्क के बारे में पूरी तरह से जान पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि इसके गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिस्क को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में हम एक तरह से अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस शेयर की कीमत आगे बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा इसलिए हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमारी बात सच ही निकलेगी। इस तरह से जब रिस्क को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है तो रिस्क और भी रिस्की हो जाता है। बहुत बार हमें रिस्क के होने का पता तभी चलता है जब हमारा उससे नुकसान हो जाता है। इससे हमेशा बच पाना इम्पॉसिबल है, और इसलिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पाया जा सकता है। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessGK को जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।